डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने CM योगी पर तंज कसते हुए कहा कि वह तो बुद्धिमान बहुत हैं, हालांकि उनकी तालीम जग जाहिर है। रही बात वंशवाद की तो योगी जी आज जिस मठ के योगी हैं वह भी परिवार से चला आ रहा है। यदि परिवार उस मठ पर काबिज न होता तो आज योगी भी वहां न होते। मेरठ जैसे शहर में बताएं सरकार ने ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम दिया है, टनों में निकल रहे कूड़े का क्या निस्तारण भाजपा सरकार ने किया है। डबल इंजन पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इनके दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। देखिए क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेरठ पहुंचकर। इंजन आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से। योगी जी कह रहे हैं तमंचावादी पार्टी है। भाई योगी जी का तो हम इतना ही मानते हैं, वो बुद्धिमान बहुत है। अभी अलीगढ़ में तालीम की बात करके आए थे, और तालीम आपने ANI पे सुनी होगी, ANI में बताया होगा आपको। और फिर परिवारवाद की बात है, अरे योगी जी का आप नहीं बोलोगे, वो खुद परिवारवाद की वजह से उस मठ में उस स्थान पर है। मुख्यमंत्री जी BJP के लोग ना भूल जाएं, वो जिस स्थान पर बैठे हैं अगर उनके परिवार के लोग ना बैठे होते तो शायद मुख्यमंत्री जी उस परिवार पे परिवार की वजह से ना बैठ पाते। कितनी सीटें जीत रही है पार्टी? जैसे मेरठ जैसा शहर है, सरकार बताए कि कितना टन प्रतिदिन कूड़ा निकलता होगा, इस कूड़े का डिस्पोजल क्या है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसका सिस्टम क्या, धूल धक्कड़ उड़ रहा है, नालियां भरी पड़ी हैं, गंदगी भरी पड़ी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।